अप्रैल की किस तारीख को रिलीज होगी KGF 1? क्या तैयारी है यश के प्रमोशन के लिए? क्या हो रही है KGF कम कीमत पर रिलीज? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म अटैक पार्ट 1 के बाद 2 हफ्ते तक किसी बड़ी फिल्म की रिलीज ना होने का फायदा अब फिल्म KGF के निर्माता उठाने जा रहे हैं। कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी KGF चैप्टर 1 फिर से रिलीज होने जा रही है। KGF 2 की रिलीज से पहले KGF को कम कीमत पर दिखाने का ये प्रयोग अनूठा है। देश में पुरानी फिल्मों को फिर से रिलीज करने की सिनेमा इतिहास में लंबी परंपरा को मल्टीप्लेक्स मालिकों ने बंद कर दिया था। एक जमाना ऐसा भी रहा है जब पुरानी हिट फिल्में कम रेट पर रिलीज होने पर भी नई फिल्मों से ज्यादा कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर लिया करती थी। KGF या कहे कि KGF चैप्टर 2 को लेकर देश विदेश में बने माहौल के बीच शुक्रवार को सेंसर से पास होने की खबर आई और साथ ही ये जानकारी भी मिली कि इस फिल्म को सेंसर से यू सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म की ड्यूरेशन करीब 2 घंटे 48 मिनट बताई जा रही है। KGF 2 घंटे 35 मिनट लंबी पिक्चर थी और इसमें अपनी रिलीज पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर में की थी। फिल्म KGF 2 का माहौल अभी से ही बनना शुरू हो गया है, जबकि फिल्म को रिलीज होने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। फिल्म का मेन लीड अप्रैल से ही फिल्म के प्रमोशन के लिए इंडिया टूर पर निकल रहा है। 1 अप्रैल को वो दिल्ली में लोगों से मिले। वहाँ की मीडिया के लिए उनकी टीम ने काफी बड़ा प्लान इंटरव्यू आदि के लिए बनाया था। यश ने भी इसी बीच काफी अच्छी हिंदी सीख ली है और वो कोशिश करते हैं कि हिंदी बोलने वाले रिपोर्टर्स के जवाब वो हिंदी में ही दे। यश की नॉर्थ इंडिया में लोकप्रियता और KGF फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों की रिलीज के बीच कोरोना संक्रमण के चलते लंबे अंतराल को देखते हुए इसके मेकर्स ने दर्शकों को KGF 2 से पहले की कहानी ये याद दिलाने के लिए पहली फिल्म को फिर से रिलीज करने का फैसला किया है। ये फिल्म सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में 8 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। खास बात ये रहेगी कि इस फिल्म को दिखाने वाले सिनेमाघर अपनी टिकटों के रेट आम दिनों की अपेक्षा काफी कम रखेंगे। सिनेमा की भाषा में इसे किसी फिल्म का घटी दरों पर रिलीज होना कहते हैं। KGF सीरीज की कहानी मुंबई में पले बड़े रॉकी की कहानी है। गरीबी में पैदा हुआ और अपराधियों के बीच रहते हुए बेखौफ कातिल बना रॉकी पहली फिल्म में मुंबई के पूरे माफिया पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद वो निकलता है कॉलर गोल्ड फील्ड्स KGF की तरफ और वहाँ मजदूरों की तरह रहकर तैयारी करता है इन खानों के उत्तराधिकारी गरुड़ को मारने की। फिल्म के दूसरे चैप्टर की कहानी इन्हीं खानों में रहते हुए रॉकी के गरीबों का मसीहा बनने की है। फिल्म में यश के साथ श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी हैं। फिल्म कन्नड़ के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज होने जा रही है। आप फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए और देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।